सो आज का जो है क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे हमारा है वो है एक्चुअली मल्टीपल टॉपिक्स। वन ऑफ द टॉपिक्स इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर कीवर्ड्स? Western words in C language which have their predefined meaning and cannot be used as a variable name. तो हमारी जो सी लैंग्वेज है इसमें कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग और जिनका यूज पहले से ही डिफाइन किया गया है। यानी ये इनका मीनिंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होने हैं ये पहले से ही तय किया गया है। ठीक है, इनकी जो मीनिंग है और जो यहाँ जिस जगह पे इनको यूज करना है हम इनको बिल्कुल उसी जगह पे यूज करेंगे और किसी जगह पे यूज कर नहीं सकते। न वेरिएबल नेम्स यूज रख सकते हैं, न बाकी कुछ रख सकते हैं। ठीक है, जिस चीज के लिए हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हम देखेंगे वो आगे, लेकिन जो जो कीवर्ड हमारे पास है जिस चीज के लिए वो बनाया गया है बिल्कुल उसी चीज के लिए वो यूज होगा, वो किसी और चीज के लिए यूज हो ही नहीं सकता। इवन हमारे जो सी कंपाइलर है, जो हमारा ये सी सॉफ्टवेयर एक है, ये कंपाइलर हम उसे बोलते हैं, ये हमें अलाउ ही नहीं करने देगा कि उस चीज को किसी और चीज के साथ के लिए हम यूज करें। ठीक है, तो दीज कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड। इनको आल्सो हमें एक और नाम भी है रिजर्व्ड, यानी दीज आर रिजर्व्ड फॉर सम डिफरेंट वर्क। ये पहले से रिजर्व किए गए हैं कुछ खास काम के लिए। We cannot use it as variable name, constant name, etc. ना variable name, ना constant name, constant भी हम देखेंगे या बाकी कुछ और चीजें जब भी हमारे नाम नाम होते हैं उनके लिए ये keyword use नहीं हो सकते। जो भी keyword है उसका अपना meaning है, वो अपनी जगह पे अपने काम के लिए use हो सकता है। ठीक है, initially there were 32 in number, but later some more were also added. जब पहले पहले सी बनाई गई डेनिस रुचिन ने सी AT&T बेल लैबोरेटरीज में ये क्रिएट किए कंपाइलर, तो पहले पहले इसमें 32 कीवर्ड्स थे। ठीक है, बट लेटर ऑन इसमें कुछ एडिशंस होते रहे। सी वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ C89 C99 एंड कुछ उसमें कुछ नए नए कीवर्ड्स भी, दो चार पांच नए कीवर्ड भी ऐड होते गए, लेकिन बेसिक जो इसके कीवर्ड्स थे पहले से जो पहले से बने आए थे। तो ये आपको अक्सर मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको यही मिलेगा कि 32 कीवर्ड्स आ गया। ठीक है, तो कीवर्ड लिस्ट हम देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हमारे पास है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है। जैसे एक कीवर्ड है हमें ऑटो। ठीक है, वी हैव ब्रेक अंदर के, वी हैव केस, वी हैव केयर, केयर हमने मैंने दिखाया केयर क्या होता है, वी हैव कांस्टेंट, वी हैव कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, इंट, इंट हमने यूज किया भी, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वॉलेटाइल, वाइल, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गोट, इफ। तो हम देखिए ये जो है ये अराउंड 32 ही है, ये 32 कीवर्ड। तो ये जो वो बेस कीवर्ड पहले है पहले के थे, ये वही बेस कीवर्ड। इसके बाद कुछ और नए भी ऐड हुए लेकिन ये जो है ये बेसिक्स है, ये मोस्टली हम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है जैसे हम इंट यूज करेंगे तो अब इंट याद ही होना चाहिए। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ हमें याद हो जाते हैं, लेकिन अच्छा है हम इनको दो तीन बार एक बार पढ़ लें। ठीक है, ताकि हमें ये हमारे जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं देखो सारे के सारे सुमाल में लिखे जाते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज जो हमारे पास है वो केस सेंसिटिव है। बाय केस सेंसिटिव इसका मतलब ये अगर मैंने डू लिखा ऐसे, अगर मैं डू ऐसे लिखता हूं तो वो अलग मीनिंग देता है। सुमाल डू या सुमाल डी लिखूं और कैपिटल ओ लिखूं वो भी एक अलग चीज माना जाता है। तो केस सेंसिटिव है ये, केस का मतलब
मेरे पास कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल और स्मॉल एक अलग मीनिंग देता है मेरे लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स है, ये आप देखोगे कि ये सारे के सारे कीवर्ड जो है ये स्मॉल में है, ऑल ऑफ देम आर इन द स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। एक और चीज देखोगे, किसी भी कीवर्ड में कोई नंबर नहीं है, किसी भी कीवर्ड देखो, ये सारे कीवर्ड जो है कोई किसी में कोई नंबर ऐड नहीं किया है, कोई न्यूमेरल नहीं है, किसी भी कीवर्ड में कोई अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है। सारे के सारे एक, चाहे एक दो से बने हैं या दो से ज्यादा बने हैं, देखो ये चीजें हमें दो से बनी है, ठीक है, कुछ चीजें हमें तीन से बनी है, थ्री कैरेक्टर्स, फिर चार कैरेक्टर्स, या कुछ बड़े भी हैं जैसे अनसाइंड एक बड़ा है, या कंटिन्यू बड़े हैं, ये थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये सारे कीवर्ड जो है इनमें किसी में ना अंडरस्कोर है और न किसी में न्यूमेरल कोई ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड लिस्ट है ये मोस्टली हमें इट इज बेटर फॉर अस कि हमें याद रखें, इनको याद करें, दो चार बार इनको पढ़ें। तो मोस्टली इसमें ये तो इंग्लिश के ही, अगर आप देखोगे दिस इज यहाँ पर देखा, अगर हम इंग्लिश के ही वर्ड्स है, ये इफ है, इफ, एल्स, फॉर, गो टू, साइज ऑफ, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, केस, ठीक है, डू, रिटर्न, यूनियन, वाइल, वोलेटाइल, तो ये सारे अगर आप देखोगे ये सारे के सारे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एक अलग मीनिंग है, हर एक चीज का अलग। जैसे हम इंट यूज करते हैं, हम इंट क्यों यूज करते हैं, हम डेटा टाइप बोलते हैं, जब भी हम इंट यूज करते हैं इसका मतलब जो हम आगे लिखेंगे वेरिएबल उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम कैर लिखते हैं तो उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, ऐसे अगर हम फ्लोट लिखते हैं या डबल लिखते हैं तो उसका डेटा जो है वो वी कैन यूज पॉइंट्स वगैरह में, ठीक है। देन वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर एक और चीज है, तो हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है हमारे पास। तो सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन सी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल, फंक्शन, अरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, लेबल एक्सेट्रा। एंड आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स सच एज अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर, डिजिट्स, बट स्टार्टिंग लेटर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। अब अगर आपको लास्ट में याद होगा, हमने एक कीवर्ड हमने किया था इंट, हम लिखा था अपने प्रोग्राम में इंट ए बी सी या इंट एक्स लिखते हैं हम, ठीक है। अब इंट तो कीवर्ड है, लेकिन ये एक्स जो है ये वेरिएबल नेम एक आइडेंटिफायर होता है। बाय आइडेंटिफायर आई मीन जिससे मैं कोई चीज आइडेंटिफाई करूं, या आप यही याद रखोगे कीवर्ड्स के बगैर जो भी हम नाम देते हैं, कीवर्ड्स के बगैर जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हम नाम यूज करते हैं, चीज हमारे प्रोग्राम में किसी का नाम रखे, किसी वेरिएबल का नाम रखना है, किसी फंक्शन का नाम रखना है, या आप देखो एरे होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, या लेबल हमें किसी को करनी हो, तो जो भी हम वहां पे नाम रखेंगे उस नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो कीवर्ड्स के बगैर जो भी कहीं पे कोई नाम हमें देना है, कोई आइडेंटिफाई कर, किसी कोई लेबल देनी है या कोई वेरिएबल नाम रखना है, उनको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। जैसे लास्ट में हमने देखा कि कीवर्ड ये वेरिएबल वो यूज होते हैं उसमें स्टार्टिंग या लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, क्योंकि वो एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर में बाय जनरल रूल यही है। और वी कैन से दैट एन आइडेंटिफायर इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट बिगिंस विद एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर, व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर से वही डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है ये आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर सपोज आपके किसी का नाम है आकिब, तो आकिब एक आइडेंटिफायर है, अगर ये कीवर्ड नहीं है तो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। सो देयर आर 52 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है, अपर केस और लोअर केस 26 + 26, वी हैव ए टू बी 26, अगर अपर केस 26, क्योंकि केस सेंसिटिव है हमारे पास लैंग्वेज, तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट, कैपिटल ए मीन समथिंग एल्स एंड स्मॉल ए मीन समथिंग एल्स, ठीक है। तो 26 + 26 = 52, क्योंकि हमारे पास कैपिटल 26 अल्फाबेट्स है एंड देन वी हैव स्मॉल 26 अल्फाबेट, तो ओवरऑल में हमारे पास 52 अल्फाबेटिक आ गए।
फिर हमारे पास आ गया अंडरस्कोर, ठीक है, देन 10 न्यूमरल नंबर 0 to 9 हमारे पास आ गई ये 10, तो टोटल में हमारे पास जो है 63 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाई, यानी हमारे पास है ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, देन वी हैव स्मॉल ए टू जी, ठीक है, देन वी हैव 0 to 9 एंड देन वी हैव अंडरस्कोर, तो ये सारे जो मिला के बनते हैं टोटल हमारे पास 63। तो 63 कैरेक्टर्स है हमारे पास, जिसको मिला के, चाहे दो को मिलाए या दो से ज्यादा को मिलाए या एक को भी यूज कर सकते हैं, अक्सर ए टू जेड जो हमारे अल्फाबेटिक है उनको सिंगल में भी यूज कर सकते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 63 है, इनको मिला के हम क्या कर सकते हैं, इनको मिला के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने आइडेंटिफायर की। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उनके उनको पता होगा कि कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं, व्हेन वी हैव टू वी कैन मेक 2^2 कॉम्बिनेशन, दैट इज 4 कॉम्बिनेशन। सो जैसे हमारे पास, मैं समझाता हूँ ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। सो अगर हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 और 0, अगर मैं दो कॉम्बिनेशन, अगर मुझे दो ही बनाने हैं, अगर मुझे दो, सपोज 0 और 0 लिख सकता हूँ, 0 और 1 लिख सकता हूँ, 1 और 0 लिख सकता हूँ, और 1 और 1। तो अगर मेरे पास दो ही करेक्टर है और मुझे इनको दो दो में डिवाइड करना है, तो मैं 2 के 4 बना सकता हूँ, 4 डिफरेंट, 0 0 1 है, 0 1 1 है, 1 0 1 है, और 1 1 एक अलग है। तो 0 और 1 को मैंने, अगर मुझे दो दो कॉम्बिनेशन इनकी बनानी है, तो मैं इनकी 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। अब आप ये सोचो कि हमारे पास 63 है, वी हैव 63 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो 63 की तो इट विल, वी कैन क्रिएट इवन इनफिनाइट नंबर ऑफ, इनफिनाइट तो नहीं हो सकता, बट देयर आर एक्चुअली अ ह्यूज नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स, तो हम एक बहुत ज्यादा आइडेंटिफायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 63 हमारे लिए हमें कभी काम नहीं पड़ेंगे, वी कैन क्रिएट अ ह्यूज प्रोग्राम्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड, कीवर्ड जो है पहले से ही डिफाइन किया गया है, इसका मीनिंग आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड। अब ये यहाँ पे एक अच्छी टर्म आ गई, यूजर डिफाइंड, यानी यूजर का मतलब एक प्रोग्रामर, हम जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जो डिफाइन करते हैं कोई वेरिएबल नाम या कुछ, तो वो हमारा डिफाइन किया होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। प्रीडिफाइंड का मतलब पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ पहले से ही वहां से था, ठीक है, तो हम प्रीडिफाइंड एक अलग चीज होता है और यूजर डिफाइंड अलग चीज होता है। प्रीडिफाइंड पहले से ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, सॉफ्टवेयर ने पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन यूजर डिफाइंड हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, जैसे मैंने इससे पहले दिखाया कीवर्ड सारे लोअर केस में है, इट कैन बी रिटन बोथ लोअर केस एंड अपर केस। आइडेंटिफायर में ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोअर केस भी यूज कर सकते हैं और अपर केस भी यूज कर सकते हैं। इट इज मीनिंग इज प्रीडिफाइंड, इसकी जो इसका जो मतलब है ये किस लिए यूज होगा वो पहले से ही सी कंपाइलर को पता है, सी कंपाइलर ने डिफाइन किया है, लेकिन जो आइडेंटिफायर है इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन नहीं किया गया है, हम डिफरेंट चीजों को अपने लिए अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, मैंने इससे पहले भी दिखाया आपको कीवर्ड्स में खाली अल्फाबेट है वो भी स्मॉल, लेकिन आइडेंटिफायर में हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रख सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन अंडरस्कोर, मैंने इससे पहले दिखाया आपको कीवर्ड्स में कोई अंडरस्कोर नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर में हम एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस के कौन कौन सी डिफरेंस है बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये तो था मेन इसका थ्योरी पार्ट, क्या क्या होता है कीवर्ड और क्या होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। इंशाल्लाह हम अभी अब देखेंगे इसका जो है प्रैक्टिकल पार्ट भी, कि हम कैसे यूज करते हैं।